अजमेर में आज सेवानिवृत्त कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की ओर से जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्त के परिलाभों के भुगतान में आ रही समस्याओं के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली निःशुल्क दवा सहित अन्य मांगों के समर्थन में आज इन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मांग की है कि सरकार उनकी समस्याओं को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले ताकि वरिष्ठ नागरिक परेशान ना हो। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के जो रिटायर हुए उनका जो डीए रोक लिया था, उस दरमियान हमारे कर्मचारियों को ग्रेजुटी और लिविंग एंकेशमेंट में नुकसान हुआ था। उसी क्रम में केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को आदेश जारी कर दिए और ये कहा है कि जो कर्मचारी जनवरी 2020 और मार्च जून में रिटायर हुए उनको इसका भुगतान किया जाए, जो भी डीए की अंतर्राशि का भुगतान किया जाए उस डीए की गणना करते हुए इनको भुगतान किया जाए। इसी क्रम में हमने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार के अनुरूप आदेश जारी करें और हमारे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी राज्य कर्मचारी रिटायर हुए उनको भी उसी अनुरूप डीए की गणना करते हुए उनका लाभ दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जाए। करण सिंह अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अध्यक्ष, अजमेर। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के मांगों की अनदेखी की है, इसलिए सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर आइए और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देंगे। स्कूलों के अंदर बच्चों को 100% उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि बच्चों को किसी तरह की वैक्सीनेशन अभी नहीं लगाई गई है। RGHS योजना जो सरकार ने लागू की है उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की खामियाँ हैं, जिसका नुकसान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और दवाइयाँ समय के ऊपर नहीं मिल पा रही। आज जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शीघ्रातिशीघ्र आदेश प्रसारित किया जाए। राजेंद्र प्रसाद माथुर।